रहा भैन ना सोल ऐसे होंगे ना तेरे देश को आंगे। क्या क्या ये ये भात मैं, अब आप गाने याद करिए दोबारा। सुन सुनो, मेरे को पता भात आता पर मुझे वहाँ भात गाना आया नहीं, मुझे भात आता एक भूल गई। जैसे आया तो सब कुछ एग्जाम में जाके भूल जा बच्चे, ऐसे ही हुआ। पता कौन सा भात आया? सिर गुड़ की भेली लाई मेरा भात नोतनाई, भैया सोलह से का भात भरियो जब मेरे देश को आइयो। फिर उसका भाई कहता बहना ना सोलह से होंगे ना तेरे देश को। बा, 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 जोर मत, जोर सुन, मत, सुन, सुन, अबे व्लॉगर सुन। फिर उसकी बहन क्या है कि भैया उल्टी फेरो भेली चाचा ताऊ के नो तू भेली। फिर उसका भाई क्या है बहना उल्टी ना फेरू भेली चाहे गिर में धरू हवेली। ओके 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 ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी 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 मम्मी छेड़ दी। हाँ ना ना सॉरी, आपकी शुरुआत ब्लॉग किस चीज से करी? ठीक है, इनके टूटे फूटे गाने से। इतना नाचना गाना इतना देखोगे मतलब चाहे मेरे को थोड़ा कम आए पर धूम मचा के रखूंगी सच्ची। चलो भाई मैं तो नहा लूं जल्दी से, मुझे लेट नहीं उठा जाता, मुझे लेट नहीं उठा जाता। ये अरे नहाएगा नहीं, सुनो जाके एक घंटे रूम में घूमता रहेगा, मस्ती करेगा। हाँ ये 10 मिनट में नहा कर जाए, इसका फोन मेरे पास, मैं लो फोन रख लो इसका। मैं क्या लॉजिक, मैं गाइस मैं ये बालक नहीं हूँ गाइस, मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये फोन है मम्मी रखेंगे अपने पास। यार ऐसा क्यों है कि जिस दिन नहीं नहाओ उस दिन पूरा दिन मेरे ढूंढे मस्ते रहते घर में। आज मैं टाइम से नहा लिया हूँ, मम्मी को दिखाना चाहता हूँ तो मम्मी नहीं मिल रही है। हाँ भाई रंगबाज, मम्मी कहाँ है? ये मेरे कपड़े को पहने हुए हैं। किसके कपड़े? ये तू तो खुद मेरा है। मम्मी कहाँ बता? मैं नहा लिया, वही तो दिखाऊंगा उन्हें। भाई आज लाइन से हमारे घर की सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है। यार तुम मुझे ना हर समय ऐसे मत ले करो। और कैसे लूं? इतनी बार मुझे बदनाम। यार तुम जब भी मिलो गाड़ी साफ करते मिलो। हाय पूनम बहन, हम अपनी पूनम माता रानी को तो नहीं दिखा पाए लेकिन आज मैं टाइम से नया हूँ, सोचा पूनम बहन को ही दिखा दूं। देख तो ले बहन, तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? मेरी। बहाने मत मार, वीडियो पूरी बनानी पड़ेगी आज। आओ आज हम डूची को, ये क्या खा रहा है डूची? तुम्हें बाहर लेके चलते घुमाने। चलो आज हमारी पूरी फैमिली बाहर डिनर करके आई है क्योंकि शादी से पहले नहीं किया क्योंकि हम लोग वो प्राइवेट अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन शादी से पहले सारी तैयारियां हुई है। पाई भम्मू मीटू और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स मॉम लेकर आई है। कहां है फ्रूट्स? मैं लेकर नहीं आई है, जो हमारे फ्रूट्स लेकर आई है। हमारे क्या, जो आपका वो मेरा और जो मेरा वो मेरा। नहीं वो गिफ्ट्स आए। और नीतू का पर्स कहां है? मेरा पर्स कहाँ है? पर्स तो मैं लेकर ही नहीं आ रही। जो नीतू का पर्स में कार्ड हो मेरा। ठीक है आप ले लो। चलो तो फिर चल कोर्ट लेके आ है। कल ले लेना। आज ही ले लेंगे। पहले मैं फ्रूट्स ले जाती फिर कल वाले ले। आज ही ले लेंगे। कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करो सो अभी ले, तो अभी ले जा फिर। हाय हाय, मैं बताती हूँ मेरी जैकेट पहले रिक्की ने पहनी, उसके बाद सोनी ने पहनी। मेरी जैकेट पीछे पड़े हुए, इसलिए मैं जैकेट यहाँ पर छोड़ के ले जा रही हूँ, लेकर जाऊंगी। क्या लेकर जाऊंगी? हम तो भी इधर रख रहे हैं ना। भाई इधर पागल है क्या? नीतू और दीदी दोनों, आप तो नीतू कोई दीदी कोई पागल कहते थे नीतू तो। शादी का वेन्यू देखने गए थे ना हम, डिसाइड करने तो ना ऐसे ना कोई बात चली थी तो पाई के सामने ना ये बात आ गई लखन ने बोली कि आपके घर में दूसरी सोनी आ रही है, सोनी जा रही है, तो पाई की ना शक्ल देखो यूं थी यूं हो गई। भगवान का भाई आप तो एक से दुखी है, जो नीतू आई है वो दीदी से बढ़ गए। भाई सबसे प्यारी है ऐसा नहीं, ये मेंटल है भाई दोनों, देख ना कौन है दोनों? ये दोनों चुगल खो, ये किसकी चुगली करती है? बोल देनी है ये सबकी, ये भैया सुबह नहीं तो बताती नहीं है लेकिन मुँह से निकल जाती है, दीदी का राज खुल गया। मुझे बता देगी पर और किसी को नहीं बताई, तुझे बता देगी। नहीं इसके मुँह से राज खुल जाता है भाई, ये बता देगी मॉम को, बता देगी मॉम को, बता दे तुझे बता दे और किसी को नहीं बता। मैं चुगल करूं बहुत ये सच में है ना भाई, भयंकर वाला। अब मेरे पास आ गई, मैं व्लॉग बंद कर देता हूँ। ये देखो दोस्त इस लड़की बाज को, ये यश के रूम की अलमारी है, क्या लगा रखा है इसने यार। अभी मम्मी को भड़काता हूँ। देख रिक्की ने किसी लड़की का फोटो लगा रखा है अपनी अलमारी पे, तुझे गॉसिप मिल गई, पाई और मम्मी शिकायत करेंगे इसकी। देखो ये यही तो पूरे टाइम ये अंग्रेजों को देखता रहे, दे रहा है पीछे, ये आ गया ये आ गया। ये कौन सी लड़की है भाई? ये तो मेरा फेवरेट है, इसका नाम मुझे नहीं अभी तक याद हो क्या। वैसे तो फेवरेट है ये यार, बहुत हैंडसम और बहुत अच्छा लगता है। नीतू मम्मी को तो पता जाएगा कि ये लड़की का पोस्टर लगा रखा है यहाँ? मेरे को तो लगा उसका लगा रखा है।
अपनी क्रश का. गाइस यश की एक क्रश है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, मगर मैं इतना बता सकती उसके बहुत लंबे बाल हैं और बहुत पेड़. देखो देखो ये कैसे भौंक रहा है, इसको पता नहीं कि चोली करने जा नहीं, चलना मुंह पर मम्मी को बताएंगे. अरे क्या देख रही है तू उसको यार, छोड़ ना पागल, नहीं चल दिया, चलना रिक्की की चुगली करेंगे. अरे तुम्हारे कोड बटन बात होगी, रिक्की की चुगली कर ले पहले. यार मैं तो कितनी स्लिम हो गई ना गाइस, मुझे कमेंट में बताना. स्लिम हो गई नहीं तू बहुत. ये किसकी छोटे है, किसकी पता नहीं, लव जिसकी भी मैं पहन लूंगा. मॉम को पहले ठंडी लग रही थी और अभी भी ठंड लगी इसलिए मॉम ने मम्मू. अरे तू क्यों हाँफ गई, मैं छीक के हाँफ गई एक बार. हाँ जा जीना चढ़ के हाँफ जा. अभी जीना चढ़ के तो हाँफी है. मम्मी रिक्की ने किस लड़की का फोटो लगा रखा है अपने अलमारी पे, देखा मॉम ने एक लड़की का फोटो लगा रखा है. अच्छा गाइस मॉम बताएंगी, मॉम को भी पता शायद रिक्की की एक क्रश है यश की, जिसको यश बहुत पसंद करता है रिक्की. यार पाई कॉपी राइट ले आएंगे यार, पीछे गाना चला भजन चला के बैठे. अच्छा देख लो भाई, देख लो कार्ड देख रहे भाई, जैसे शादी कार्डों में लगे हुए हैं. बम्मू देखो तो लड़की का फोटो लगा रखा है उसने, कोई क्रश ना उसकी. अरे लड़की का फोटो लगा रखा है, देख लो ना फोटो लगाने से क्या क्रश वही होगी जो हम लांगे. ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वही क्रश है उसकी, कोई क्रश नहीं है. नहीं नहीं होन दो, आप ही लाओगी, होएगी भी तो चली जाएगी. मम्मी रिक्की के रिक्की की अरेंज मैरिज होगी. वर्ड बहुत छोटे छोटे बनाए जो समझ में पढ़ने में कम आ रहा है. अब भाई अब तो सब कुछ आपके सामने था, मैं कह रहा हूँ रिक्की की अरेंज मैरिज होगी है. नहीं तो ठीक है, रिक्की की अरेंज मैरिज होगी ये तो चलो कंफर्म हो गया. एक एक लड़की को पसंद है जिसके बाल बहुत लंबे हैं. मैंने रिक्की को इसी बात से चिढ़ाया, गाय ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको रिक्की को चिढ़ा रही थी जस्ट फॉर फन. लेकिन आज मम्मी ने कह दी क्या, रिक्की ने कह रखी है कि आप ही करोगे शादी. हाँ. सच्ची. हाँ. अरे वाह वाह चलो ठीक है फिर. कब हुई क्या ये बात, कब हुई, कोई भी मौका ना दे हमें. कोई तो दे दो. यहाँ पर नीतू और पाई का कुछ डिस्कशन चल रहा है जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं है. खैर मुझे तो कोई हाँ मुझे तो कोई इन्वॉल्व नहीं लगता अपनी बातों में. घर में क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है मुझे पता ही नहीं होता. फिलहाल आपको एक बहुत साइंटिफिक चीज दिखाता हूँ जो हमारे घर में हो रही है, खाने पीने की. आई लव फूड. ये तेल जम गया है तो गोलू इसको हीटर के सामने रख के पिघला रहा है. वाह गोलू वाह, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. पिरो है गोलू तू पिरो एकदम. और इसको देखो आज हम खेल रहे थे घर में लुक्का छुपी, रिक्की जाके छुपा बैठ के पीछे. फिर क्या हुआ बैठ के पीछे छोटी से पकड़ लिया इसके ये बाल दिख गए हमें बैठ से. हाँ आज ने अपनी जगह बदल दी मॉम के पास छोड़ के पाई के पास. ऐसे कैसे मैं गुस्सा है आपसे, मॉम से गुस्सा है. सही होगा मैं आज पूरे दिन इधर उधर रही हूँ ना तो आज मैं से खा नहीं लिया ना तो ये बोला. अच्छा आज मैं लेकर भाई इसके बहुत नखरे हैं यार, ये आज अपने पापा के साथ सो रहा है. आ जा गोदी आ जा मम्मा की. क्या कह रहा है, अपने बेटा को बोला मैं तो पर बोल ही नहीं रहा बीच रास्ते याद आया. फिर से लगे जब आ गया ना फिर से लगे यार मैं तो गुस्सा हूँ लोग तेरे को बोलते ना व्लॉग्स लंबे बनाए करो तो व्लॉग्स ज्यादा कर भाभी से बनवाया कर, वो खींच के बोल दिया तो अपना लंबे हो जाएंगे. कैसे, जैसे है एक सेकंड हो गया ये उसको तीन सेकंड कर देंगे हे, तो ऐसे आठ मिनट से बढ़ता जाएगा ब्लॉग. क्या क्या ज्यादा बढ़ा तेरा वेट पाई से ज्यादा, तू क्या करती कल ये बता तेरे वो दिखा रही थी पाई उस टाइम तो बहुत ही गंदा चल रहा था. नहीं पाई को नहीं पसंद आ रहा, वेट कम मत कर, वेट बढ़ा बेटा थोड़ा. हां सब हां जैसे आज हो रहा था मेकअप हां वो ठीक था. क्या भाई टच करो कुछ भी ना कुछ भी ऐसे दबाते नहीं है, ऐसे टच करो. देखो मॉम का करवा लो मेरा करवा लो किसका स्ट्रॉन्ग है. अरे स्ट्रॉन्ग से तुझे कौन कह रहा है स्ट्रॉन्ग करने को, तुझसे कह रहा वेट थोड़ी करवानी है. सुन मॉम से करवा लो और तू कर ले मम्मी. कौन है क्या है कुछ भी ना. मैंने पहले ही जब हमारा क्या है क्या बोलते हैं इसको पंजे की वो हो रही है हमारी तो मॉम ने पहली हार मान ली. चलो देखते हैं कौन जीतता है मॉम. चलो नहीं तो नहीं जीत पाएगी तू इनसे. लेफ्ट हैंड से बैठो मम्मी, आप जैसे बैठे हो ना आपकी पूरी पावर यूज नहीं होगी. अरे इतनी पावर बहुत है, हाथ देख के पता चल गया. पहले मैं अपना हाथ दिखा दूं आपको कितना स्ट्रॉन्ग है, अब आप दिखा दो अपना हाथ. नहीं मगर मेरी बॉडी आपसे ऊपर तू कमजोर बैठी है, ये वीक में तू मुझे कमजोर ही बैठ रही है. आ जाओ मुझे सिर्फ देख के पता चल गई. हां अभी स्टार्ट नहीं बोला, अभी स्टार्ट नहीं बोला. अच्छा 1 2 3 हाथ नहीं उठना चाहिए ऐसे यार. आ जा
ये नहीं आने देगा रिंग मैच सांस फूल गया मम्मी हाथ नहीं उठाना मेरे हाँ ठीक है रुक जा स्टार्ट नहीं बोला स्टार्ट टू थ्री मम्मी स्टार्ट नहीं बोला ना बोल तो दिया दोबारा एक बारी वन टू थ्री स्टार्ट ये होता है जिम और देसी भाई वाह भाई वाँ भाई वाह ये मम्मी का तेल लेकर बैठा हूँ हाथ में लग रही थी मगर हाथ पॉइंट हो रहा है आपने नीतू को परसेंट लगाई क्या हाँ मैंने भी नीतू को पर लगाया लेकिन इसके हारने के ऊपर आज से मैं जिम नहीं जाऊंगी बंद जिम मेरा बंद आज मैं मॉम की डाइट यूज करूंगी सही बताऊं जिम में जा रही खा पिए मत तो एक तो सही बात बता रहा हूं अगर मैं इनसे पूरी ताकत से भी लड़ूंगा ना ये पटक नहीं दे देती हैं इनको वो दाव पेश आते हैं ना नाना वाले इतना दाव पेश आते हैं कौन है ये किस पे मौक रहा ये पहलवान की बेटी है ए बेड़े बम पूरे घर में चप्पल ढूंढता फिर रहा हूँ यहाँ रखी है यार भाइयों आप लोग कमेंट पे आजकल इतनी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि मैं सबके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ टाइम भी थोड़ा कम मिल रहा है शादी का माहौल है लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँगा और आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करूँगा अगर आपको लगता है अच्छा आइडिया तो यस बोल देना फिर हम कमेंट्स में टाइम डिसाइड कर लेंगे और लाइव मिलते हैं है ना क्या हुआ दूध ले क्या हुआ पाई को मुंह दिखाने लगे मैं पाई के सामने जा रही वो बन गई बहादुर और आ गई तो मुझे तो पहले ही पता था पाई एक बार आप अपनी बॉडी दिखा दो अब कहाँ देखा बॉडी तू मेरी बॉडी नहीं देखा ये तो बाइसेप्स है बॉडी थोड़ी है यार क्या कर रही है फिर आप गई क्या करने लगा इसकी खुद पता नहीं है क्या करने लगा पर मेरे तो ये नहीं यार आपका नहीं अरे बहुत है मेरे पाई नहीं है झूठ बोल रहे हो तेरी है ना बॉडी तो तेरी किस काम की है बता लेकिन पाई एक बार ऐसे करना मैं ऐसे चेक करूंगी तूने कौन सा तीर मार दिए ये दे ये ना कुछ नहीं है भाई आपने मेरा भी तो ऐसे दबा के बोला कुछ नहीं है मतलब बदला लेगी एक सेकंड अपने लक्ष्य की दबाओ लगन से तो एक भी पुशअप नहीं कितनी बड़ी पागल है पागल थोड़ी हूँ मैं अपनी एनर्जी वेस्ट मुझे पता है वो हरा देगा एनर्जी क्या फिर आएगी नहीं कर दो मैं बोलो ना नहीं अरे मैं क्यों कर दू मुझे करनी नहीं है एक बार कर दो उसकी जबरदस्ती बिना बात मैं क्यों अपनी ऑन कैमरा बेइज्जती करूं दोनों मियां भी हार के तो जाओ आ जाओ ना 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 नहीं लखन तुम मत करना ओके लक्सु तो मैं दोनों मियां बीवी को एक साथ हरा देगा इकट्ठा ही वो है तो... नहीं तो ये तो ज्यादा हो गया है ना हाँ अरे हाँ ऐसे करके करे अरे नहीं तो क्यों कर रही बहुत बड़ी बेइज्जती होगी मान जा नीतू बहुत बड़ी बेइज्जती होगी रंडे नीतू बहुत बड़ी बेइज्जती होगी तो बेइज्जती क्या है क्या बेइज्जती एक बार तू ये अपना गिरा ले नीतू जीत जाए अंदर से कर दे अरे ऐसा ना भाभी को खुश करने के लिए कर दे पलट दिया कितना एफर्ट मार रहा है खुश करने के लिए है अब नीतू इसका कुछ पैसा तो बनता है हाँ नीतू इसके बदले में कुछ यार मेरे पास तो कुछ है नहीं अब तू एटीएम एटीएम है मेरे पास अब सुन नहीं तू फोन है फोन भी नहीं है फोन फोन मैं देता हूं मैं तुमको देता हूं गाइस आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी भी कि मैं हार जाऊंगी इतनी बॉडी बनाने के बाद भी और अब से मैं जिम नहीं जाऊंगी खैर मैं मजाक कर रही हूं जिम तो जाऊंगी बट यार मुझे अपने अंदर बहुत बहुत स्टैमिना की जरूरत है मुझ में तो बस वर्कआउट बहुत ज्यादा होने वाला है अब ओके फ्रेंड्स सबसे पहले तो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए दूसरा मुझे पता है आप डिसअपॉइंटेड हो कि आज वो व्लॉग आने वाला था कि मम्मी को नीतू कैसे पसंद आई नो एक्सक्यूजेस लेकिन व्लॉग आपको पता है दो दिन लेट चलता है मम्मी की आज बहुत तबीयत खराब है तबीयत क्या ट्रैवल से होगी जो कि आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे जब उस दिन वाला व्लॉग आएगा तो मम्मी ने ट्रैवल किया बहुत एक्साइटिंग डे था क्या होने वाला है वो तो आपको आगे पता चलेगा लेकिन इस वजह से वो व्लॉग आज मैं नहीं बना पाया उनको थोड़ा रेस्ट करने देते कल मैं पक्का बनाऊंगा उसको ओके तो व्लॉग लाइक करना मत भूलना कमेंट करना मत भूलना कल मिलेंगे हम अच्छे से व्लॉग के साथ बाय